नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। मैं हूँ वैशाली। खबर उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले से है, जहां आज यूपी के गोंडा जिले के थाना कोतवाली नगर के अंतर्गत जिला कलेक्टर परिसर में टीन सेट के नीचे सीएए एनआरसी के विरुद्ध हजारों की संख्या में महिलाओं और पुरुषों ने धरना प्रदर्शन किया और इस धरने के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा पारित किए गए नागरिकता संशोधन बिल का विरोध प्रदर्शन किया। लोगों का कहना था कि ये बिल संविधान की मूल भावना के विरुद्ध है और इस कानून से हिंदू मुस्लिम के बीच की खाई और गहरी होगी। इसे देश हित में मोदी सरकार तुरंत वापस ले। प्राइम न्यूज 24 के लिए गोंडा से प्रदीप कुमार की रिपोर्ट। इस समय क्या करने जा रहे हैं आप? हम लोग जो है इसके खिलाफ हमारी मुहिम है। अभी तो हम तहसील स्तर पर, अब हम लोग जिले स्तर पर है और यदि हमारी बात सीसीए एक वापस नहीं लिया गया तो इसका एक व्यापक तौर से वो और भी जो हमारे जो तमाम संघ जो साथी उनके साथ विचार विमर्श करके उसके ऊपर हम, ये बंद नहीं होने वाला जब तक ये वापस नहीं लेंगे। भारत में महिलाओं को पहले ये कह रहे थे कि ये महिलाओं को निकलने नहीं देते, आज हमारी जब महिलाएं जो ये तमाम बाघ की बात कर रहे हैं, भारत में जो है इस समय 68 जगह पर जो है केवल महिला वो जो है उसमें करती हैं, क्योंकि ये जो है वो कहते हैं महिलाओं को हम लोग अधिकार नहीं देते हैं। यही तो कुछ उधर प्रधान का जो बनाना चाहते हैं, आरएसएस का एजेंडा है कि यहाँ के लोगों को किस तरीके से दमन करें। 1977 में 1971 की जो सेंसेक्स है उसमें भारत के एक आदमी नहीं, किसी धर्म की बात नहीं है, पूरे भारत में 76% लोग अशिक्षित थे। जब एनआरसी लागू करेंगे एनपीआर के जब माध्यम से, तो उस समय 76% लोग, 1971 से पहले किसी के पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं होगा। हमारा जो है आज आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पहचान पत्र, ये इनके लिए बिल्कुल जो है, जो गृह मंत्री जी हैं वो ये कह रहे हैं कि हम इसको नागरिकता के रूप में नहीं मानेंगे। तो नागरिकता के रूप में क्या मानेंगे? हमारे पिताजी और हमारे पिताजी के जन्म प्रमाण पत्र। आप लोग खुद इसको जब बताएं, देश की जनता, इस पर लोगों को विचार करना पड़ेगा कि 1971 से पहले कितने लोगों के पास जन्म प्रमाण पत्र है। और इसका उदाहरण है आसाम में जो ये एनआरसी लाए हैं, आसाम में आज जो 19 लाख लोग बाहर हुए हैं वो यही तो है कि 1971 से पहले अपने बाप दादों का जन्म प्रमाण पत्र सिद्ध करें। पिता का तो कुछ जगह हो सकता, हमारे लोगों के पास में तो ज़मीनें नहीं थी ना। अब जमीन नहीं थी तो हम राजस्व रिकॉर्ड में नहीं हैं, और हमारे ऊपर तो इतना इन लोगों ने जो है, जो आरएसएस के लोग हैं, यहाँ के फॉरवर्ड क्लास के लोग हैं, जो जिन्होंने अतताई की है।